राजधानी दिल्ली में आए दिन सांपों के मिलने की घटनाएं बढ़ रही हैं। दिल्ली में जुलाई और अगस्त में बीते साल में करीब डेढ़ गुना ज्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं। अभी तक बीते दो महीनों में 200 से ज्यादा घरों में सांप के घुसने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें कोबरा और कॉमन करैत जैसे जहरीले सांप भी शामिल है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे गर्मी, उमस और भारी बारिश का कारण बताया जा रहा है। दिल्ली में सांपों को रेस्क्यू करने वाली संस्था वाइल्ड लाइफ SOS के मुताबिक इस साल जुलाई और अगस्त में 218 घरों में सांप घुसने की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें घर, ऑफिस, कैंपस, फार्म हाउस जैसी जगहें शामिल हैं। ऐसे में जानकारी मिलने के बाद टीम सांपों को वहां से निकालकर उसके नैसर्गिक पर्यावास में छोड़ दिया जाता है। बता दें कि वाइल्ड लाइफ SOS संस्था के विशेष कार्यकारी अधिकारी कार्तिक सत्यनारायण के मुताबिक इंसानी आबादी क्षेत्र में सांप तीन कारणों से घुसते हैं। भारी बारिश के चलते, इनके बिलों में पानी भर जाने के चलते सूखी जगह के तलाश में वे इंसानी आबादी का रुख करते हैं। बारिश में कीटों की संख्या बढ़ जाती है, जिसे खाने के लिए मेंढक बाहर निकल आते हैं। इन्हें खाने के लिए सांप इंसानी आबादी की तरफ आते हैं। सांप ठंडे खून यानी कि कोल्ड ब्लड वाले जीव होते हैं। उन्हें अपने तापमान को बरकरार रखने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे में भारी गर्मी और उमस से परेशान होकर सुकूनदायक तापमान की तलाश में वे घरों में घुसने का प्रयास करते हैं। संस्था के सदस्यों की माने तो दिल्ली में कई हरित क्षेत्र के चलते सांपों का इंसानी आबादी में आना बहुत हैरत की बात नहीं है। इसके लिए बस हमें सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। अगर घर में सांप या कोई अन्य वन्य जीव दिखे तो डर के चलते उस पर हमला करने की बजाय उससे सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए। इसके बाद वन विभाग, पुलिस या वाइल्ड लाइफ SOS को सूचना देनी चाहिए। उन्होंने बताया कि खुद कभी सांप को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी लापरवाही से सांप आप पर जानलेवा हमला भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।